कोई एक जन बता दो, वोट दिख रहा है, महेश करीब बता दो। हाँ सर, चलो ठीक है, देखो ठीक है, तो अच्छे से देखना। तो समझाना ये है कि किंगडम एनिमिलिया की प्रॉपर्टी क्या होती है, खुद को देख लो, खुद में क्या प्रॉपर्टी है। हम प्लांट जैसे है क्या, हमको प्रेशर बिल्डअप करने की जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, हम जहां जाएंगे वहां पानी पी सकते हैं, तो हमारे पास सेल वॉल होना चाहिए क्या, इस प्रकार से सोचो। थोड़ा लॉजिकली सोचते जाओ तो चीजें जल्दी याद हो जाएगी। तो हमको प्रेशर वगैरह बिल्डअप करने की जरूरत है क्या, नहीं। हमारे पास सेल वॉल प्लांट, हमारे बॉडी में सेल वॉल नहीं होती है, और हम किस किंगडम में आते हैं, एनिमल में। ठीक है, एनिमिलिया में। शेर किस में आता है, एनिमिलिया में। पहले पैंथेरा पढ़े हो ना, कार्निवोरा, कैनिडी फैमिली, डॉग की फैमिली, ठीक है, जितने भी है सबके पास सेल वॉल नहीं होती है, क्योंकि सब घूम फिर सकते हैं, नो सेल वॉल नीडेड। और दूसरी बात, हम हमारे पास फोटोसिंथेसिस होते हैं क्या, धूप में रहेंगे तो आप एनर्जी आ जाएंगे, जैसे वो करता है, कौन, एलियन पिक्चर में करता है, ऐसे खड़े रहता है और बोलता है धूप, और ये लो उसमें ताकत आ गई है। इस तरीके से हमारे इसमें होता है कि आर वी एलियंस, वी आर नॉट एलियंस, तो वी कैन प्रिपेयर द फूड सेइंग द धूप, और ये लो खाना बन गया बॉडी में। ऐसा होता है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, जो ऐसा करना चाहता है वो करके मुझे बता देना कि हुआ क्या। ठीक है, तो जल जाओगे मतलब बहुत धूप लगेगी, ठीक है, और स्किन का कलर भी, टोन भी है वो भी चेंज हो जाएगा, इसलिए ये सब काम बिल्कुल मत करना। ठीक है, जो मम्मी दाल चावल रोटी बना के दे चुपचाप वो खा लेना, राइट। तो वो भी किससे बने हैं, दाल चावल रोटी प्लांट से। तो हम क्या है, हेटरोट्रॉप है, और हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है। देखो, सेल वॉल नहीं होती है पर हम हेटरोट्रॉप है, किंगडम एनिमिलिया, समझ गए। दूसरी बात, प्लांट धूप में खड़ा रहा तो धूप तो बोलता नहीं है कि धूप, लेकिन खाना बन जाता है बिना धूप बोले। हमको सुनाई जाता है कि वो बार बार बोल रहा है धूप धूप, नहीं, पर बन जाता है। तो वो क्या है, ऑटोट्रॉप है, ऑटोट्रॉप फूड प्रिपेयर कर लेता है। और दूसरी बात, वो इधर उधर नहीं घूमता है, मतलब सेल वॉल उस पर होती है ताकि वो प्रेशर बिल्डअप करके रखे, पानी खींचता रहता है, खींचता रहता है, और पानी को जमाए रखने के लिए, ठीक है, पानी को एक जगह जमाए रखने के लिए सेल वॉल लगा देता है। ठीक है, ताकि आगे प्रेशर, आगे नीचे जो है पानी नीचे ना जा पाए, तो हर एक सेल में क्या लगी हुई रहती है, सेल वॉल रहती है। तो प्लांट में सेल वॉल होती है और वो ऑटोट्रॉप है। यहाँ देखो, फंगाई लड्डू पर खाता है, मतलब फंगाई भी हमारे जैसा ही है, तो फंगाई क्या हो गया सर, हेटरोट्रॉप। ठीक है, पर फंगाई में सेल वॉल होती है तो उसको किंगडम ना एनिमिलिया में डाल सकते हैं ना प्लांटी में डाल सकते हैं। फंगाई का एक स्पेशल किंगडम बनेगा जिसमें सेल वॉल ऐसा, और वो किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ऐसा किंगडम जिसमें सेल वॉल भी रहती है और वो हेटरोट्रॉप भी है। क्या समझा सभी को अब? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, तो मैं छोटा सा पानी हाँ दू सर, क्या, चुल्लू हाँ पर सर पानी दू क्या, बताओ कौन बोल रहा है सर, हाँ सर, किसको डूब मरना है, किसने बोला हाँ सर, डूब मरना है क्या सर, मुझे सुनाई दिया कि मैं पानी पीऊँ क्या, अच्छा पानी पीऊँ क्या, नहीं मैंने बोला चुल्लू पर पानी दू क्या नहीं सर, ठीक है। तो थर्ड क्लास, थर्ड किंगडम कौन सा होगा, थर्ड किंगडम में जाएगा वो इंसान जिसको दोनों किंगडम से धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा था। कौन किंगडम था सर, वो फंगाई किंगडम था, उसको दोनों किंगडम में घर पे रहने नहीं दिया। क्यों, एक तो वो पहली बात तो सेलवॉल लगाकर आ गया, दरवाजा लगा, ऐसे सेलवॉल लगा के आ गया अपने ऊपर, तो किंगडम एनिविलिया में उसकी कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि किंगडम एनिविलिया में सभी रहते हैं जिनमें सेलवॉल नहीं होती है, और फंगस के पास सेलवॉल होती है। तो ठीक है, वो बेचारा भीख मांगते मांगते बोला कि किंगडम प्लांटी तुम मुझे रख लो। तो किंगडम प्लांटी ने बोला कि मैं तुझे एक बार के लिए रख लेता था फंगस, ठीक है, रख लेता था, क्यों, क्योंकि मेरे पास भी सेल वॉल है और तेरे पास भी सेल वॉल होती है, पर तू लड्डू के ऊपर कंज्यूम करता है, तू खुद धूप में खड़ा रहकर धूप धूप चिल्ला के खाना नहीं बना सकता, तू हेटरोट्रॉप है, तेरी जगह यहाँ पर भी नहीं होगी। ठीक है, राइट। सो इतना बड़ा जब कंफ्यूजन आया, सो ऑल ऑफ द साइंटिस्ट केम टूगेदर एंड दे सेड वी विल मेक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ किंगडम, अलग अलग किंगडम बनाएंगे। ठीक है, और आई अगेन रिपीट, मैंने दो एग्जाम्पल लिखे थे, हमको बैक्टीरिया को भी एक जगह डालना है, हमको फंगस को भी एक जगह डालना है। बैक्टीरिया की भी ऐसी कहानी है, बैक्टीरिया की भी ऐसी कहानी है, वो भी बेचारा ना एनिमिलिया में बैठ पाया और ना किंगडम प्लांटी में बैठ पाया। तो आपको थोड़ा बहुत लॉजिक आ रहा होगा कि फंगस का एक सेपरेट किंगडम हो जाएगा आगे जाकर, बैक्टीरिया का एक सेपरेट किंगडम हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो दोनों को जगह नहीं मिली, दोनों को जगह क्या मिली, ले लेते थे बट किंगडम प्लांटी जैसी प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाया ना वो, क्या प्रॉपर्टी, ऑटोट्रॉप रहना और सेल वॉल का रहना, और
किंगडम एनिमिलिया की क्या हेटरोट्रॉप रहना और सेलवॉल नहीं रहना। मैंने एग्जांपल्स बता दिए हैं, उस एग्जांपल से आप खुद को रिलेट करके लर्न कर सकते हो कि किस किंगडम में सेलवॉल होगा किस में नहीं होगा। ठीक है, तो राइट डाउन पॉइंट्स टाइप्स ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कितने किंगडम बनाए गए, तो पहली बात जिसने सबसे पहले योगदान दिया किंगडम के क्लासिफिकेशन का, ठीक है, वो इंसान का नाम था। पहले लिख लेते हैं कितने किंगडम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले आया था, जो हम अभी पढ़ रहे थे ना वही टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सिर्फ दो ही किंगडम रखो। कौन से दो किंगडम? यू नो वेरी वेल द टू किंगडम्स वुड बी, वन वुड बी प्लांटी एंड अनदर वुड बी एनिमिलिया। यही दो किंगडम लिखो। तो ठीक है, लिख लेते हैं, एक रखो प्लांटी को और दूसरा रखा एनिमिलिया को। ठीक है, चलो इसके पहले एक लाइन आपको लिखना है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय, ठीक है, कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो एक लाइन बोलना चाहूंगा, कैरोलस लीनियस वो महान व्यक्ति थे जिसने बड़ा बड़ा नाम छोटा कर दिया। आपको याद आ रहा होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दो नाम नाजा नाजा जैसे। तो ये इंसान जो है ये दो नंबर के काम में बहुत दिलचस्पी रखता है। ठीक है, दो नंबर के काम में बहुत दिलचस्पी रखता है। कैसे सर? तो दो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाए, उसमें कितने नाम रखे इसने? दो। ठीक है, इसका नाम भी कितना है? दो ही अक्षर पे है, कैरलस। इसने किंगडम कितने बनाए? दो। समझ रहे हो? तो हर चीज इसकी दो वाली है, दो नंबर के काम करता है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? वही इंसान जिसने दो नाम रखो, हर एक स्पीशीज का साइंटिफिक नेम दो ही अक्षर दो ही वर्ड पर रहना चाहिए, दैट इज कैरलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। इस कैरोलस लीनियस ने ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अच्छे से लर्न करना। एंड द ईयर वॉज 1758 वॉज द ईयर जब इसने बोला कि हर एक किंगडम किंगडम जो है वो दो ही टाइप के रहना चाहिए। कौन से? उसने बोला एक किंगडम रखो प्लांटी में और एक किंगडम एनिमिलिया में। पर आपको पता है क्या दो नंबर के काम जीवन में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्या सक्सेसफुल होते हैं? आंसर इज नो, दो नंबर के काम जीवन में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। इसका मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि टू किंगडम दो ही किंगडम रखो ऐसा बोलने वाले कैरलस लीनस जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, उसका ये हाइपोथेसिस सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपको मैंने पहले ही रीजन बता चुका हूं क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा। आंसर इज, वही आंसर लिखना है आपको, क्या कैरेक्टर फोकस किया कैरलस लीनस ने दो किंगडम रखने के लिए? उसने क्या बोला? ठीक है, कैरेक्टर लिखना अच्छे से। He said all the animals which are autotrophs will be placed in kingdom two kingdom दो किंगडम। पहला कौन सा? पहला किंगडम प्लांटी एंड सेकेंड किंगडम एनिमिलिया। जितने भी ऑटोट्रॉप्स है उसको यहां रखा जाए और जितने भी हेटरोट्रॉप्स है उसको यहां रख दो। ठीक है, उसको लगा हेटेरोट्रॉप्स, उसको लगा बहुत सिंपल है, मैं तो बिल्कुल नोबल प्राइज लेकर मरूंगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं था, आने वाले जो व्यक्ति थे वो इससे ज्यादा शातिर थे। ठीक है, जो आने वाले व्यक्ति थे वो इससे ज्यादा शातिर थे, उन्होंने सब कुछ कहानी निकाल ली। तो जो ऑटोट्रॉप है उसको प्लांटी में रखो और जो हेटरोट्रॉप है उसको एनिमिलिया में रखो। और एक इसने चीज बताई, ठीक है, those who have, पहली प्रॉपर्टी है, सेकंड इज those who have cell wall should be placed in kingdom planting and those who do not have cell wall no cell wall should be placed in animalia। ठीक है, ये इतना स्टेटमेंट लिख रहो। Do not have cell wall, तो एनिमिलिया में डालो, और cell wall है तो प्लांटी में डालो। राइट, अब हमको क्या करना है? अब हमको लिखना है demerit। ठीक है, demerit मतलब क्या? जो विजयी होता है, जिसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, जो पास हो जाता है, जो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, जो पापा का मम्मी का नाम रोशन कर लेता है, हम उसको बोलते हैं शी और ही इज ए मेरिटोरियस स्टूडेंट।
मेरिट मतलब बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, और कोई फेल हो गया, गलती से मार्क कम हो गया, पेपर अच्छा नहीं गया, कोई भी एक्स वाई जेड रीजन के वजह से, अगर वो मेरिट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं गलती हो गई, तो जहां गलती हो गई वहां पर लिख देते हैं डी डी मेरिट, मतलब क्या, मेरिट की कमी इज डी मेरिट, समझ गए। तो ये है कैरलेसनेस के मेरिट, मतलब क्या, मैंने बोला है प्लांटी और एनिमिलिया को कैसे सेपरेट करूंगा, जितने ऑटोट्रॉप से वो इसमें जाएंगे, जितने हेटरोट्रॉप से वो एनिमिलिया में जाएंगे, ओके, जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांटी में जाएगा, जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमिलिया किंगडम में जाएगा। अब आपको पता है कि ये तो उसके मेरिट हो गए, मेरिट, उसकी कमियां क्या होगी, डी मेरिट। तो पहली कमी क्या होगी उसको देखते हैं, जनरल फंगस ना इसमें बैठ पा रहा है और ना फंगस उसमें बैठ पा रहा है, ठीक है, तो एक तो डिमेरिट ये हो गया, दूसरा और एक डिमेरिट हम आगे पढ़ेंगे अभी, राइट। तो ये मिटाकर मैं लिखता हूं डिमेरिट ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या कमी रह गई दो किंगडम क्लासिफिकेशन की, क्यों जरूरत पड़ी दो से ज्यादा किंगडम रखने की। इन ऑल आपका कंफ्यूजन दूर करूं तो हमको पढ़ना है पांच किंगडम वाला क्लासिफिकेशन, मतलब हमारा जो चैप्टर अगला स्टार्ट होता है जिसको हम नहीं करेंगे स्टार्ट, तो चैप्टर स्टार्ट करने के लिए कितने किंगडम है, पांच। बैक्टीरिया का एक सेपरेट किंगडम रहता है, फंगस का एक सेपरेट किंगडम रहता है, ठीक है, और एक किंगडम है जिसमें पैरामेशियम या यूग्लेना रहता है, कॉल्ड एस प्रोटिस्टा, वो चप्पल वाला पैरामेशियम, ठीक है, और दो किंगडम तो आपको पता ही है कौन से, एनिमली और प्लांटी। तो कितने किंगडम पर जाना है हमको, पांच, लेकिन अभी इस वक्त हम कितने किंगडम पर है, दो, मतलब आने वाला और एक साइंटिस्ट होगा जो तीन किंगडम के बारे में बताएगा, फिर और एक उतरेगा वो चार किंगडम के बारे में बताएगा, और आखिरी एक इंसान निकलेगा जो बोलेगा कि नहीं पांच किंगडम सबसे बेहतर है। तो छोटा सा एक लॉजिक, हर किसी की कमियां देखकर आने वाला इंप्रूव करने वाला है, सिंपल पहली बात बता दे रहा हूं। तो ये ट्रिक है लर्न करने की, किसी एक की कमी याद करो दूसरे का वो मेरिट हो जाएगा, ठीक है, उसने खाना अच्छा नहीं बनाया, ठीक है, बार बार नमक डालती है, फिर वही पॉइंट फोकस कर लो रेसिपी में कि इसमें नमक ज्यादा नहीं डालना है, आपकी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन की कमी हो जाएगी ना, आने वाला जो किंगडम थर्ड बोलेगा कि नहीं तीन किंगडम रखूंगा, उसने क्या किया होगा, इसकी जो कमी होगी टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाले की जो कमी होगी वो कमी को सुधार के रख लेगा, पर उसकी जो कमी होगी वो आने वाला सुधारेगा। गेटिंग, ऐसे करते करते पांचवा वाला जो फाइव किंगडम वाला क्लासिफिकेशन जो देगा उसने किसने किसकी कमी निकाल होगी, जिसने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, और वो किसकी, जिसने थ्री किंगडम, और थ्री किंगडम किसका लेगा, जो कमियां टू किंगडम वाले की हो। ऐसे करते करते इंप्रूव करते चलेगा। तो हम पढ़ते हैं कि कैरलेसनेस की क्या कमी थी जिसके वजह से इसका दो किंगडम जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा, कि दो ही किंगडम रहेंगे, ठीक है, दो से ज्यादा क्यों नहीं रह सकते हैं। तो आने वाला जो साइंटिस्ट था उसने तो तीन किंगडम दिया, पर हम ये पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कमी रह गई हमारे दो नंबर के काम करने वाले कैरलेसनेस में, ठीक है, देखो। तो कमी ये है, डीमेरिट लिख लेते हैं, डीमेरिट कमियां, ठीक है, जिसको थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत होता है, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिख सकते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कमियां, या मराठी मध्य डैश डैश जो भी है, ठीक है, मराठी में जो लिखते हैं, राइट। तो पहला डीमेरिट पढ़ते हैं, पहला जो डीमेरिट है वो ये है, एक स्पीशीज है, ठीक है, और उसका नाम है यू, फिलहाल के लिए पढ़ लो, आगे हम देखेंगे, उसका नाम है यूग्लेना, यूग्लेना, ठीक है। यूग्लेना कैसा स्पीशीज है, यूग्लेना एक ऐसा स्पीशीज है जो जैसे रहता है ना क्रिकेटर, फुल टॉस आया तो छक्का मारूंगा, और जैसे प्लेट आया तो सिर्फ ड्रॉप कर दूंगा और ऐसे साइड प्लेट कर दूंगा, ठीक है, अगर वन डॉट आया ऐसे प्लेट कर दूंगा, और फुल टॉस आया तो मैं सिक्स मार दूंगा, मतलब मौका देखकर चौका और छक्का मारने वाला पर्सन जो रहता है ना वो ही है यूग्लेना। क्या है सर, ना ये ऑटोट्रॉप है और ना ये हेटरोट्रॉप है, ये बीच का है, मतलब सर जब भी लाइट रहेगी तभी ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, खाना बना लेगा, और जब भी लाइट नहीं रहेगी ये जो भी उसको मिलता है वो कंज्यूम करता है, कुछ भी उसको मिलता है वो कंज्यूम कर लेता है, मतलब ये प्लांट जैसा भी बिहेव कर रहा है, एनिमल जैसा भी बिहेव कर रहा है, तो आपको एक लॉजिक लगना चाहिए कि ये ना प्लांट में रहेगा ना ये एनिमल में रहेगा। काहे सर, उसका सिंपल साफ रीजन ये है,
चार्ल्स लिनस ने क्या कैरेक्टर रख के दो किंगडम बांटे थे? तो पहला उसका कैरेक्टर ये था, जिसके पास भी सेलवॉल हो वो प्लांटी में रहेगा, और जिसके पास सेलवॉल नहीं हो वो एनिमिलिया में रहेगा। उसके बाद क्या प्रॉपर्टी रखी? जो भी खुद का खाना खुद बनाएंगे वो ऑटोट्रॉफ प्लांटी है, वो प्लांटी किंगडम में डाल दो, और जो हेटरोट्रॉफ है वो एनिमिलिया में डाल दो। ये जो युगलेना है ना, युगलेना ये थर्ड टाइप का है, ठीक है, ना ऑटो है ना हेटेरो है ना, ठीक है, तो ये बीच का है, मतलब ये मिक्स है, इसलिए इसका नाम क्या पता है? मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक समझ गया, मिक्सोट्रॉपिक मतलब क्या? मिक्सोट्रॉपिक ऐसा एक स्पीशीज होता है जो लाइट रहेगी तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और लाइट नहीं रहेगी तो दूसरे चीजों को खा लेगा, और दूसरे चीजों को खाने वाला, एंगल्फ करने वाला जो प्रोसीजर कहलाता है उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। नया टर्म होगा लेकिन आपको बायोलॉजी में बहुत बार दिखेगा ये फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस सॉलिड मटेरियल खाना, और कोई पी लेता है, मानकर चलो युगलेना जो है, ड्रॉ कर लूं, हाँ चलो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा एक जनरल ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ इस तरीके से, वैसे ऐसा रहता नहीं है तो पैरामीशियम है, चलो मैं ये मानकर चलो युगलेना है, एकदम जनरल, वेल डिफाइंड डायग्राम नहीं, एकदम जनरल देखना। अगर लाइट आ रही है तो चलो ये ड्रॉ कर लेते सूर्य देवता, ठीक है, इस तरीके से, और ये आ रही होगी लाइट तो ये क्या कर लेगा? ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, मतलब ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा? ये शो करेगा ऑटोट्रॉपिक। और सूर्य देवता गायब तब क्या? तब तो इसको जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जैसे मम्मी रहती है तो खाना तो मिलेगा ही मिलेगा, पर मम्मी नहीं रहती है तब हमेशा डोमिनोज का दरवाजा खटखटाएगा, कौन? आप, समझ रहे हो? तो मम्मी रहेगी तब खाना आने वाला है, नहीं रहेगा तो डोमिनोज खटखटाएगा या पिज्जा जो भी है वो खटखटाएगा। इसी तरीके से युगलेना जो है, युगलेना स्पीशीज, लाइट रहेगी तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, और लाइट नहीं रहेगी तो क्या करेगा पता है? मान कर चलो यहाँ पर कोई सॉलिड पार्टिकल है तो कैसे ना कैसे इसके पास फ्लैजेला रहती है। मैं सब कुछ डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकता क्योंकि वो चैप्टर स्टार्ट होने का है, इसकी स्टडी हम बाद में करेंगे। कैसे ना कैसे फ्लैजेला के थ्रू इसको अंदर एंगल्फ कर लेगा, इसको सॉलिड पार्टिकल को, तो मानकर चलो ये आ गया सॉलिड पार्टिकल अंदर। तो जब सॉलिड पार्टिकल अंदर आता है ना उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और मानकर चलो उसको पानी पीना है तो क्या नाम होगा पता है? पानी कैसे पीते हैं? पीना तो क्या नाम लिखते हैं पता है? पीनोसाइटोसिस। साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब होता है सेल, पीना पीनो पानी पीना इस तरीके से। तो पीनोसाइटोसिस मतलब कुछ पिया है, फैगोसाइटोसिस कुछ खाया है। तो कुछ खाया है मतलब खुद बनाकर खाया है क्या? किसी दूसरे चीज को, दूसरे सेल को, उसको खाया है। तो दूसरे सेल को खाया है ये तो हेटरोट्रॉप्स हो गया, बस वही आपको समझना। तो युगलेना कैसा है? मिक्सोट्रॉपिक है, मतलब मिक्स है, ना ऑटोट्रॉप है ना हेटरोट्रॉप है। तो समझ गया, अगर पीता है तो पीनोसाइटोसिस, खाता है तो फैगोसाइटोसिस, और साइटो का मतलब सेल। तो अपने बॉडी के सेल से कुछ सॉलिड पार्टिकल खाता है तो फैगोसाइटोसिस, अपने साइटो अपने सेल से, साइटो का मतलब सेल, अपने बॉडी का जो सेल है उस सेल से कुछ पीता है तो पीनोसाइटोसिस, ठीक। ये आने वाले चैप्टर्स में है बट टर्म है इसलिए समझा दिया यहाँ पर। तो यहाँ एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, क्या है सर वो? वो ये है कि लाइट रहेगी, ठीक है, लाइट रहेगी तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। लाइट नहीं रहेगी, नो लाइट, ठीक है। तो कैसा करना है इसको देखो, नाइट का मतलब क्या होता है? नाइट का मतलब अंधेरा, तो लाइट है तो लाइट है, मतलब जीवन है, मतलब चल रहा है, लाइट है, अभी भी लाइट है। तो नो मतलब एन ओ हटा दिया तो क्या हो जाएगा? नो लाइट मतलब नाइट, ठीक है। तो जब अंधेरा रहेगा या जब लाइट प्रेजेंट नहीं रहेगी, मतलब नो लाइट मीन्स नाइट, तो क्या करेगा वो? फैगोसाइटोसिस, मतलब कुछ खा लेगा। सिंपल है, ये तो सिंपल है, मिक्सोट्रॉपिक। डिफिकल्ट क्या है पता है? ना ऑटोट्रॉपिक ना हेटरोट्रॉपिक, बीच का है तो मिक्सोट्रॉपिक, अपने भाषा में लिख लेना। और दूसरा स्टेटमेंट बता दूं, आपके पूरे सिलेबस में एक ही अकेला एक स्पीशीज है जो शो करता है, समझ गया? आपके पूरे सिलेबस में एक यही एक है युगलेना जो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, समझ गए? एकदम सिंपल है, ऐसा ही एक स्पीशीज है
जो लाइट रहेगी तो खाना बनाएगा, लाइट नहीं रहेगी तो किसी और सेल को खा लेगा, वो मिक्सोट्रॉपिक शो करने वाला युग लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो डिफिकल्ट क्या पता है, डिफिकल्ट इसकी ये नहीं है इसको याद रखना, डिफिकल्ट ये है कि सर इसको डाले कहां पर, युग लेना। तो देखो अच्छे से, युग लेना ऑटोट्रॉपिक भी है, युग लेना हेटरोट्रॉपिक भी है। ऑटोट्रॉपिक होता तो प्लांटी में जाता, हेटरोट्रॉपिक होता तो एनिमिलिया में जाता, पर इस वक्त युग लेना ना ऑटोट्रॉपिक में जा सकता है ना हेटरोट्रॉपिक में जा सकता है। यही कमी बन गई किसकी, टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। कार्लस लिनस ने युगलेना नाम के स्पीशीज पर लक्ष्य ही नहीं दिया, ठीक है, मतलब ध्यान ही नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो शायद एक सेपरेट किंगडम बना दिया था। नहीं, मैं युगलेना के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, वो बीच का है, ठीक है, बीच का मतलब ना वो ऑटोट्रॉपिक है ना वो हेटरोट्रॉपिक है, चलो कोई किंगडम बना देता हूं, ये उसकी कमी रहेगी। ठीक, अगला कमी, सेकंड कमी क्या है, सेकंड कमी ये है कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया। अब देखो फंगस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ी बहुत कहानी बैक्टीरिया के बारे में बता देता हूं, ठीक है। तो देखो एक सेल में सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या, सेल में हमने क्या देखा, सेल में सेल वॉल है या नहीं है, तो किस किस में सेल वॉल है तो हम पढ़ लेते हैं एक बार, प्लांटी, एनिमिलिया, फंगाई। प्लांटी में तो सेल वॉल रहती है, एनिमिलिया में तो सेल वॉल नहीं रहती है, फंगस में तो सेल वॉल होती है, ठीक। तो एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होती है, और एक चीज बता दो, एक अकेला एनिमिलिया ही है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है, सिंपल है। जैसे यहां बताया एक अकेला मिक्सो, एक अकेला युगलेना ही है जो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ये एंट्रेंस पॉइंट में, ये एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो एक अकेला युगलेना है जो मिक्सोट्रॉपिक शो करता है, ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात, एक अकेला एनिमिलिया ही है प्योरली, जो पूरा का पूरा किंगडम सेल वॉल उसमें होता ही नहीं है, समझ गए, मतलब बैक्टीरिया जो है वो उसमें सेल वॉल होता है, तो बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, तो मानकर चलो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सेल वॉल। चलो मैं एक एग्जांपल के टर्म्स में समझाऊं क्या, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा सा एक घर है, एक घर है, हाँ, एक घर में दीवार होती है, बिल्कुल सही। और उस दीवार में, दीवार मतलब बाउंड्री, ठीक है, घर की दीवार और घर के बाहर क्या रहती है, बाउंड्री। तब हम यहां से पढ़ेंगे, ठीक है, कि दीवार में पेंट लगी हुई है या पेंट नहीं लगा हुआ, अच्छे से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिमेरिट, ये जो सेकंड डिमेरिट है ना, उसको लिखने के पहले थोड़ी कहानी पढ़ लो, ठीक। तो पहला लिखता हूं मैं प्लांटी, ठीक सर, प्लांटी में सेल वॉल होती है क्या, प्लांटी में यहां लिखते हैं, प्लांटी में सेल वॉल, प्लांटी में सेल वॉल होती है, ठीक है सर। फंगस में भी होती है, हाँ, फंगाई में भी होती है सर। बैक्टीरिया में भी होती है, यस, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है। एनिमिलिया में, एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं है, ठीक है। अब देखो अच्छे से, ये चार घर है, चार घर है, चारों घर में दीवार होती है कि नहीं होती है, ठीक है, चारों घर की दीवार मतलब सेल वॉल, ठीक। तो चार घर है तो घर इक्विवेलेंट टू सेल, अभी के एग्जांपल के लिए घर सेल के बराबर है सर। तो चारों में सेल वॉल, चारों में घर है क्या, हाँ। बिना सेल के कोई जिंदा रह सकता है, आंसर इज नो, मतलब हर किसी के पास घर रहना जरूरी है, क्यों, घर नहीं रहेगा तो कहां रहेगा सर, सड़क पर, तो फिर वो कोई काम का ही नहीं है। तो घर झोपड़ा हो, कुछ भी हो, घर तो घर रहना चाहिए बस। तो हर किसी के पास, बैक्टीरिया के पास सेल है, फंगाई के पास सेल है, प्लांटी के पास, एनिमिलिया के पास, सबके पास सेल है। बट क्या सबके सेल पर दीवार, मतलब क्या सबके घर में बाउंड्री लगी हुई है, तो ऐसा एक ही है जिसके घर में बाउंड्री नहीं लगी हुई है, ऐसा एक ही सेल है, ऐसा एक ही किंगडम है जिसके सेल पर सेल वॉल नहीं रहती है, और वह एनिमिलिया। तो चलो इसको भूल जाते हैं आपके लिए, एनिमिलिया नाम का ऐसा घर है जिसमें घर तो है पर घर पर बाउंड्री नहीं है, भूल जाओ। तो अब सिर्फ उसकी बात करेंगे जिसमें तीनों में घर है, साथ में बाउंड्री भी है। एकदम अच्छे से पढ़ते जाना, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट, और ये हमेशा नीट के पेपर में तो आने वाले तीन जो चैप्टर है उसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन मतलब 90 में से 10 क्वेश्चन हटा दो तो 90 में से 10 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क का, मतलब 10 क्वेश्चन कितने हो गए, 40 मार्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लांटी, फंगाई, बैक्टीरिया, तीनों में, तीनों के पास हाउस है, मतलब ऑल हैव सेल, और सभी के पास बाउंड्री है क्या, सेल वॉल, सभी के पास घर पे बाउंड्री है क्या, देख लो
सेल वॉल है, सेल वॉल है, सेल वॉल है। एक किस को हटा दिया जिसके पास घर तो था, मतलब सेल तो था लेकिन बाउंड्री नहीं थी, एनिमिलिया, हटा दिया उसको, सेल वॉल है नहीं, मतलब मुझे हटा दिया, हमको हटा दिया, आपको और मुझे हटा दिया, क्योंकि हम एनिमिलिया में आते हैं, हमारे पास सेल वॉल नहीं होती। अब प्लांटिंग फंगस बैक्टीरिया, तीने के पास सेल है क्या? हाँ सेल है, और सेल वॉल भी हो क्या? देखो घर पर सबके पास बाउंड्री भी है क्या? यस सर, सेल वॉल भी है, मतलब सेल मतलब हाउस भी है और सेल वॉल मतलब डिफरेंस क्या है तीनों में? तीनों में डिफरेंस ये है कि बाउंड्री में जो पेंट लगा हुआ है ना, किसी में नेरोलैक्स है, किसी में एशियन पेंट्स है और किसी में सिर्फ चूना मारा हुआ है। मतलब क्या है बताऊं? हर एक के सेल वॉल का कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन एक जैसा नहीं है। प्लांटिका सेल का जो केमिकल कंपोनेंट, जैसे प्लांट का सेल का जो कंपोजिशन होगा, केमिकल कंपोजिशन, वो डिफरेंट है। फंगाई का जो सेल वॉल है उसका उसका जो कंपोजिशन है, मतलब किस केमिकल का फंगाई का सेल वॉल बना हुआ है, वो केमिकल, जिस केमिकल से फंगाई का सेल वॉल बना हुआ है, वो केमिकल प्लांटी के सेल वॉल जैसा नहीं है, ना वो बैक्टीरिया जैसा है। मतलब एक बात समझ में आ रही है? तीनों के पास घर है, तीनों के पास सेल है, तीनों के पास घर की बाउंड्री है, कॉमन डिफरेंस है। एक डिसिमिलैरिटी क्या पता है? सबके घर की बाउंड्री, सबके घर की जो बाउंड्री है, सेल वॉल है, सब में पेंट अलग अलग है, मतलब सबका सेल वॉल का जो कंपोजिशन है, दैट इज नॉट सेम, दैट इज डिफरेंट। तो क्या आप सभी प्लांटी, क्या आप प्लांटी किंगडम में फंगाई को और बैक्टीरिया को दोनों को रख सकते हो? आंसर इज नो, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज फंगाई एंड बैक्टीरिया का जो सेल वॉल का कंपोजिशन है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ द प्लांटी। और दूसरी बात, फंगाई का जो कंपोजिशन है वो भी बैक्टीरिया जैसा नहीं है। मतलब इस हिसाब से कितने किंगडम बन गए पता है? चार। एक जिसके पास बाउंड्री नहीं है तो पेंट का तो सवाल ही छूट गया। एक जिसके पास बाउंड्री नहीं है, पेंट का सवाल ही छूट गया, कौन? किंगडम एनिमिलिया। सेल वॉल ही नहीं है तो काय का पेंट क्या कंपोजिशन? कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ दो, उसको तो बाहर ही निकाल दो, बचा क्या? प्लांटी। हाँ, इसके पास बाउंड्री भी है, मतलब इसके पास सेल भी है और बाउंड्री भी है, लेकिन जो उसकी बाउंड्री बनी हुई है, उसकी बाउंड्री बनी हुई रहती है सेलुलोज की, ठीक है? अब नाम बताऊंगा तो कंफ्यूज होगा, फंगी की बनी रहती है, काइटिन की, और इसकी बनी थी पेप्टिडोग्लाइकन की। इसको बाद में हम जब चैप्टर चालू होगा तब अच्छे से समझेंगे, बट फिलहाल के लिए तीनों में सेल वॉल होती है, बट तीनों के सेल वॉल का जो केमिकल रहता है वो एक जैसा नहीं है। तो इसको एक किंगडम में रखोगे? नहीं। तो कितने किंगडम बन जाएंगे? एक वो जिसके पास तो है ही नहीं कुछ भी, उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है, मतलब हम एनिमल, एनिमिलिया किंगडम, दूसरा प्लांट, तीसरा फंगी और चौथा बैक्टीरिया। कितने किंगडम बन गए? चार। समझे? तो पहली बात, क्या गलती हो गई, क्या डिमेरिट्स है, ये सब कुछ समझाने के बाद, ठीक है, आप ये शॉर्ट नोट्स में जो आपका मेन पॉइंट है ना, उसको छोड़ के किताब के एक लाइन में खींचकर एक्स्ट्रा पॉइंट्स में ये सब चीजें लिख सकते हो, ठीक है? क्योंकि मैं स्पेसिफिकली पॉइंट्स नहीं लिखवाऊंगा, एक एक बोलूंगा नहीं, ठीक है? तो किताब के बाजू में जहां पर भी आपको स्पेस मिलती है, सुनने के साथ साथ आप अपने हाथ चलाते रहिए, राइट? सो तीनों में सेल वॉल अलग अलग है। इस तरीके से देखा जाए तो कार्लसनेस की क्या गलती हो गई? गलती ये हो गई कि उसने फोकस नहीं किया कि मैं प्लांटी में किस किस को डाल रहा हूं। According to carelessness, fungi is placed in planting. According to carelessness, bacteria is also placed in planting. लिख लो ये, हाँ, bacteria और fungus दोनों भी carelessness के हिसाब से planting में रखे गए हैं, animalia में नहीं, ठीक है? और simple सा reason है क्यों fungi और bacteria animalia में नहीं रह सकते हैं, तो एक simple सा statement, उनके पास सेल वॉल है, भले ही कंपोजिशन अलग हो गया तो क्या हुआ, लेकिन प्लांटी जैसे उसके पास सेल वॉल तो है, वो उस शाखा में क्यों जाना जाएगा, उस शाखा में क्यों जाएगा जहां पर उसके जैसी सेल वॉल ही नहीं है, वो एनिमिलिया में क्यों जाएगा? तो एनिमिलिया में उसको रखा ही नहीं गया था। फंगाई और बैक्टीरिया को किसमें रखा गया था? प्लांटी में, क्योंकि उसके पास, दोनों के पास सेल वॉल होती है। बट गलती एक हो गई कैरलेसनेस के, कि फंगाई और बैक्टीरिया को प्लांटी के साथ रख तो दिया, पर इस पर फोकस नहीं किया कि इन दोनों का कंपोजिशन प्लांटी से मैच ही नहीं करता। गेटिंग? चलो, तो थर्ड डीमेरिट लिख लो आप, सॉरी सेकंड डीमेरिट लिख लेते हैं हम, और वो कमी क्या है? कमी ये है, बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर डू नॉट मैच विद द
bacteria cell structure do not match with the plant and animals. ठीक है, bacteria cell structure do not match with, second point, bacteria cell structure do not match with plants and animals. इन दोनों के सेल वॉल जैसा बैक्टीरिया का सेल वॉल नहीं होता. पर इसको कहां रखा गया? किंगडम प्लांटी. इसको कहां रखा गया? किंगडम प्लांटी. ठीक है, तो युगलेना या पैरामेशियम, जो चप्पल जैसा दिखता है, ठीक है, उसको बोलते भी हैं स्लीपर लाइक शेप, चप्पल जैसा. तो पैरामेशियम और युगलेना एक स्पेशल किंगडम में जाते हैं और उसका नाम है प्रोटिस्टा. ठीक है, प्रोटिस्टा, राइट. तो लिख लेते हैं थर्ड डी मेरिट वही होगा जिसको आपने अच्छे से पढ़ा है, और वो है फंगाई. फंगाई क्यों प्लांट में नहीं रह सकता है? तो आंसर इज, दो आंसर हो जाएंगे इसके. क्या आंसर हो जाएंगे पता है? एक आंसर ये होगा कि फंगाई हेटरोट्रॉप्स है तो प्लांटी में नहीं रह सकता. तो एनिमिलिया में रखो, एनिमिलिया में भी नहीं रह सकता. क्यों? फंगाई के पास सेल वॉल रहती है. ठीक, तो फंगाई का मेन रीजन क्या पता है? नॉन फोटोसिंथेटिक. ठीक है, अच्छे से देखो, मैंने अभी अभी आपको क्या लिखने बोला पता है? बैक्टीरिया और फंगाई प्लांटी में रखे गए हैं. बैक्टीरिया और फंगाई प्लांटी में रखे गए हैं अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन. कार्लस लिनस के हिसाब से फंगाई और बैक्टीरिया दोनों भी प्लांटी में रखे गए हैं. तो सोचो लॉजिकली, फंगाई प्लांटी में क्यों नहीं रह सकता? सेल वॉल तो है, तो क्या सेल वॉल उसका डिमेरिट होगा? नहीं. ठीक है, शायद आपको समझ रहा होगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखो, कान खोल के और ब्रेन को ओपन करके. अकॉर्डिंग टू कार्लस लिनस, फंगाई और बैक्टीरिया किसमें थे? प्लांटी में थे. सही बात है, तो फंगस को प्लांटी में रहने दो ना सर, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो अगर फंगस प्लांटी में रहता है तो प्लांटी के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? सेल वॉल का रहना और ऑटोट्रॉप रहना. बट फंगाई क्या है? सेल वॉल तो है लेकिन ऑटोट्रॉप नहीं है, हेटरोट्रॉप है. तो कार्लस लिनस से क्या गलती हो गई? गलती ये हुई कि फंगस नॉन फोटोसिंथेटिक है, इसलिए वो किंगडम प्लांटी में नहीं रहना चाहिए था. और अगर मानकर चलो उस जगह पर मैं होता और मैंने फंगस को किंगडम एनिमिलिया में रखा होता, अगर मैं होता कार्लस लिनस की जगह और मैंने किंगडम फंगस को मैंने किंगडम एनिमिलिया में रखा होता, तो मेरा डीमेरिट, मेरी गलतियां आने वाला पर्सन क्या निकालता पता है? फंगस किंगडम एनिमिलिया में नहीं रहना चाहिए था. क्यों? क्योंकि फंगस के पास सेल वॉल होती है, पर वो प्लांटी किंगडम में रखा गया, इसलिए क्या गलतियां निकाली गई? गलती ये है कि फंगस, ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूं. ठीक है, तो फंगस को कार्लस लिनस ने कहां रखा? प्लांटी में रखा. क्यों वहां नहीं रहना चाहिए था? वहां इसलिए नहीं रहना चाहिए था क्या कि फंगस के पास सेल वॉल है? नहीं, प्लांटी के पास भी सेल वॉल है, रहने दो ना वहां. नहीं, ये कारण नहीं है. फंगस नॉन फोटोसिंथेटिक है, फंगस हेटरोट्रॉप है, इसलिए वो किंगडम प्लांटी में नहीं रहना. आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर. कॉल आ गया था मुझे. सभी को आ रही है ना आवाज? हाँ सर. चलो ठीक है. सो यहां लिखता हूं फंगस क्या है. फंगस इज नॉन फोटो सिंथेटिक. दैट इज वो क्या है? वो हेटरोट्रॉप है. So it should not be placed under kingdom plantae, but it was placed, right? ठीक है. हाँ सर. तो यहां पर क्लास खत्म करते हैं. एक लास्ट चीज बता देता हूं, आपको सामने दिख रहा होगा बस वही पांच किंगडम बन जाएंगे. क्या पता है? ऑलरेडी प्लांटी तो है ही, ऑलरेडी एनिमिलिया तो है ही, युगलेना का सेपरेट किंगडम बन जाएगा प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया का सेपरेट किंगडम बन जाएगा मोनेरा, बाद में देखेंगे, और फंगाई तो सेपरेट किंगडम बन जाएगा किंगडम फंगाई, राइट? कोई डाउट है आज के पढ़ाए हुए में? नहीं सर. नो सर. राइट, सो सी यू नेक्स्ट वीक.
ठीक है, थर्सडे को मिलते हैं, राइट? हाँ सर। चलो बाय।